हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स। बाद में मैं आपके लिए ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी लेकर आऊँगी। फिलहाल ये सीटेट के लिए, जूनियर के लिए नोट्स हैं। आप प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ये बहुत हेल्प करेंगे और जिस एग्ज़ाम में भी हिस्ट्री आती है उसमें सभी में हेल्प करेंगे आपको। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। लोग कहाँ रहते थे, पहले लोग कहाँ रहते थे, कहाँ उन्होंने रहना शुरू किया, उस बारे में हम पढ़ेंगे। नर्मदा नदी के तट पर, पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपयोग करते थे और शिकार भी करते थे। आपको बता दूं कि शिकार को आखेट भी बोलते हैं। ऐसा आ जाता है कि आखेट का मतलब क्या होता है, तो आखेट का मतलब होता है शिकार। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिदर पहाड़ियाँ, यहाँ भी लोग रहा करते थे। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। ये पशुपालन करते थे तथा गांवों में रहते थे। फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाई गई थी, सुलेमान और गिदर पहाड़ियों पर। वहाँ लोग गाँव में भी रहा करते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो सबसे पहले चावल मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ पर, और गेहूं और जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिदर पहाड़ियों पर। आई होप आप याद रखेंगे, प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, बहुत हेल्प करेंगे आपको ये। सिंधु तथा दूसरी सहायक नदियाँ, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। तो सबसे पहले नगरों का विकास सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, इन इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ, जिसे मगध के नाम से जाना जाता है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास जिन नगरों का भी विकास हुआ वह मगध के नाम से जाना जाने लगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अपने भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा इंडिया का। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस्त अथवा इंडोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस तरह भारत को इंडिया कहा जाने लगा। और भारत का नाम, भरत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। हम कह सकते हैं कि भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम भी पड़ा। और इंडिया पड़ा सिंधु नदी के नाम पर। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम से होने लगा, जैसा कि अभी बताया मैंने, भारत के नाम पर हमारे भारत का नाम भी पड़ा, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। बात करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। पांडुलिपि के बारे में जानते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुजर नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यह पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों तथा जो भुजर नामक जो पेड़ होता है उसकी जो छाल
से एक किताब की तरह ही मतलब भोजपत्र बनाया जाता है, उसमें फिर वो लिखते हैं और वह अभी भी मिलती हैं और अभी भी रखी हुई हैं, जहाँ पे ये सभी शोध जो मिलते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि पहले भारत में क्या था। बात करते हैं अभिलेख, तो अभिलेख जिस जो धातु सोना चांदी लोहा तांबा इन सब पर जो उकेरा जाता है, उत्कीर्ण किया जाता है अभिलेख, उसको बोलते हैं अभिलेख। और अभिलेख का अध्ययन करने को बोलते हैं एपिग्राफी, हिंदी में बोल सकते हैं अभिलेख शास्त्र। अन्य भी स्रोत हैं, पुरानी इमारतें, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन, आभूषण, चित्र, साहित्यिक स्रोत आदि। तो ये सभी स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, हम जान सकते हैं कि पहले क्या होता था, लोग कैसे रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे। अब बात करते हैं हम तिथियों को लिखने की पद्धति। तो तिथियों को लिखने की पद्धति, वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे उनके जन्म की तिथि से की जाती है। उनके जन्म से पूर्व को बिफोर क्राइस्ट और जन्म के बाद को ईसवी बोलते हैं, मतलब ईसा पूर्व बोलते हैं उनके जन्म से पहले के समय को और ईसवी बोलते हैं उनके जन्म के बाद के समय को। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व तथा बाद की तिथियों को ईसवी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि ईसवी पूर्व उनके जन्म के पहले को बोला जाता है और बाद को बोलते हैं ईसवी। और ये आ जाता है कि बिफोर क्राइस्ट को शॉर्ट में बीसी बोलते हैं, और बीसी का फुल फॉर्म भी आ जाता है। ईसा पूर्व को शॉर्ट में ईसा पूर्व ही बोलते हैं। कभी कभी एडी की जगह कॉमन एरा, सीई, और बीसीई को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीसी की फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा, और सीई की कॉमन एरा, या फिर आपको पूरा दे देंगे बिफोर कॉमन एरा और पूछ लेंगे कि ये किसकी फुल फॉर्म है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा, तो आप प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से इनको पढ़िए, इससे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छा करने की मतलब मन करता है और अच्छे से कंटेंट देने की। थैंक्स फॉर